आपके चेहरे की खूबसूरती सिर्फ आपकी आंखें और आपके होंठ ही बयां नहीं करते हैं, आपके चेहरे और मुस्कान को सुंदर बनाते हैं आपके चमचमाते मोती जैसे दांत। दांतों का पीलापन इसी खूबसूरती पर ग्रहण लगा सकता है, इसलिए चेहरे के साथ ही अपनी मुस्कान को भी तरोताजा रखने के लिए दांतों की सफाई और चमक का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको ज्यादा मशक्कत या खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बस अपने किचन में नजर दौड़ाइए और आपको वहाँ बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके दांतों के पीलेपन को हटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाले हैं, एक ऐसा आसान सा नुस्खा बताने वाले हैं जिससे आप अपने गंदे और मटमैले दांतों को बिल्कुल साफ कर सकते हैं, साथ ही साथ दांतों पर चढ़ी हुई पीली परत को भी हटा सकते हैं जिससे आपके दांत सफेद और चमकदार नजर आने लगेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं इस नुस्खे को। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे देता है ढेर सारी मोटिवेशन आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे खाली बाउल। अब हम लेंगे एक पाउच कॉफी पाउडर का, एक चम्मच कॉफी पाउडर लेनी है हमें। कॉफ़ी हमारे दांतों पर लगे दागों को हटा देती है और पीलेपन को दूर कर देती है, जिससे दांतों की चमक लौट आती है। अब हम इसमें मिलाएंगे एक चम्मच टूथपेस्ट की। आप कोई भी रेगुलर टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जो भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं रूटीन में आप उसको ले सकते हैं। एक चम्मच टूथपेस्ट की लेनी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक को। अदरक में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हमारे माउथ टिश्यूज को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं, साथ ही साथ ये दांतों की चमक को बढ़ाने में भी मदद करती है। जिन लोगों को बीड़ी सिगरेट जैसी चीज़ों को पीने की आदत होती है उन लोगों के दांत काले और मटमैले हो जाते हैं, अदरक उस कालेपन को दूर करने में बहुत मददगार साबित होती है। अदरक को छील लें और साफ कर लें। इसके बाद इसे बारीक कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करने के बाद आपने इसे निचोड़ लेना है। आपको लेना है एक छोटा चम्मच अदरक के रस को और इसे अच्छी तरह इस पेस्ट में मिक्स कर देना है। अच्छे से मिला लें। अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल आपके गम्स यानी मसूड़े को प्रोटेक्ट करता है। दांतों के हेल्दी रहने के लिए मसूड़ों का हेल्दी रहना बहुत जरूरी होता है। इससे मसूड़े फूलना, मसूड़ों में खून आना जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं और दांतों के आसपास के बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए नारियल का तेल बहुत फायदेमंद साबित होता है। यहाँ हम एक चम्मच नारियल का तेल लेंगे और इस पेस्ट में मिलाएंगे। दोस्तों, इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि कॉफ़ी पाउडर के दाने अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। 2 से 3 मिनट तक लगातार मिक्स करने के बाद ये एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। ये आपकी रेमेडी नुस्खा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये नुस्खा आपके दांतों की देखभाल करने के साथ साथ आपके दांतों को सफ़ेद और मोतियों जैसा चमकदार भी बना देगा और मसूड़ों को मजबूत बनाएगा। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इस पेस्ट को आप एक डब्बी में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। 1 हफ्ते बाद इसे दोबारा बना लें। आपने अपना टूथब्रश लेना है। जितना टूथपेस्ट आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उतना ही आपने इसे लगाना है। अपने दांतों पर इसे अच्छे से रब करना है, हल्के हाथों से रब करना है। 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से मसाज करनी है, दांतों की मालिश करनी है। ब्रशिंग करने के बाद अब आपने इसका कुल्ला कर लेना है। 2 से 3 हफ्ते में ही आपके दांतों पर जमी हुई पीली गंदी परत बिल्कुल साफ हो जाएगी और आपके दांत मोतियों से चमकने लगेंगे। दोस्तों, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके दांतों को बिल्कुल मोतियों जैसा बना देगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।